आपका BMS लेक्चर सीरीज के इस YouTube चैनल पे। मैं गोपेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पिछले टॉपिक पे हमने पढ़ा था स्क्रोटम, आज हम पढ़ेंगे टेस्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे टेस्टिस। तो पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, तो जिसमें पहला पड़ता है हम लोग का टेस्टिस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, तो टेस्टिस का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो टेस्टिस इज मेल गोनाड, टेस्टिस मेल गोनाड होता है, होमोलोगस विद द ओवरी ऑफ फीमेल। ठीक है, टेस्टिस इज मेल गोनाड एंड होमोलोगस विद द ओवरी ऑफ फीमेल। फिर अगला पॉइंट है सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये स्क्रोटम में रहता है, सस्पेंडेड किसके द्वारा, बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर देन द राइट टेस्टिस, जो लेफ्ट टेस्टिस होता है वो स्लाइटली लोअर होता है देन द राइट टेस्टिस। ओवल इन शेप, जो इसका शेप होता है वो ओवल होता है। अब आगे चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। तो इसका जो लेंथ होता है 1.5 इंच का होता है, विड्थ 1 इंच का होता है, थिकनेस 3/4 इंच का होता है और वेट 10 से 15 ग्राम्स होता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं मेजरमेंट। लेंथ 1.5 इंच, विड्थ 1 इंच, थिकनेस 3/4 इंच और वेट 10 से 15 ग्राम। अब आगे देखते हैं एक्सटर्नल फीचर, इसके फीचर कौन कौन से हैं। तो इसमें दो पोल या इंड, दो पोल या दो इंड होते हैं, कौन कौन से, अपर पोल जिसको जो कि कॉन्वेक्स और स्मूथ होते हैं, लोअर पोल वो भी कॉन्वेक्स और स्मूथ होते हैं। फिर दो बॉर्डर होते हैं, कौन कौन से बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर कौन क्या होता है, कॉन्वेक्स और स्मूथ होता है, वहीं पोस्टीरियर बॉर्डर स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट है टू सरफेस, दो सरफेस होता है, मीडियल सरफेस लेटरल सरफेस। जो मीडियल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स और स्मूथ होता है, लेटरल सरफेस कॉन्वेक्स और स्मूथ होता है। अब आगे बढ़ेंगे कवरिंग की तरफ, टेस्टिस के कवरिंग की तरफ। तो जिसमें कवरिंग है पहला ट्यूनिका वेगिनालिस, ट्यूनिका एल्बुगेनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये हो गए हमारे टेस्टिस के कवरिंग। तो कितने कवरिंग होते हैं टेस्टिस में, तीन, कौन कौन से, ट्यूनिका वेगिनालिस, ट्यूनिका एल्बुगेनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये हमारे टेस्टिस में तीन कवरिंग पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ, कि मतलब टेस्टिस में कौन कौन से ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, आइए एक एक करके जानते हैं। तो ब्लड सप्लाई देता है टेस्टिकुलर आर्टरी, वहीं वेनस ड्रेनेज टेस्टिकुलर वेन और ये देखिए पेम्पिफॉर्म प्लेक्सस। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई देता है टेस्टिकुलर आर्टरी और वेनस ड्रेनेज टेस्टिकुलर वेन पेम्पिफॉर्म लिगर प्लेक्सस, ये हो गए हमारे वेनस ड्रेनेज। हम देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ बढ़ते हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो इसमें पहला है प्री एरोटिक नोड्स और पैरा एरोटिक नोड्स। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज दो हो गए, कौन से, प्री और पैरा एरोटिक नोड्स, ये होते हैं। वहीं नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक नर्व T10 देता है। अब आखिरी पॉइंट है अप्लाइड एस्पेक्ट, जो कि हम जानते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। तो पहला है मोनोरेसिज्म, जो कि है टेस्टिस में भी एब्सेंट ऑन वन साइड। तो मोनोरेसिस में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो एब्सेंट हो सकता है एक साइड में। वही एनोरोसिस में क्या होता है, टेस्टिस में भी एब्सेंट ऑन बोथ साइड। और आखिरी है हाइड्रोसिल, मतलब ड्रॉपसी ऑफ स्क्रोटम। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया टेस्टिस। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने पढ़ा टेस्टिस और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एपिडिडिमिस। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।